नमस्कार किसान भाइयों, फार्म प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं झंडा रोग के बारे में, या बकानी रोग या पतंगा रोग भी हम इसे कह सकते हैं। किसान भाइयों, हमारा किसान भाई झंडा रोग की समस्या से आज के समय में बहुत अधिक परेशान है, और इससे किसान भाइयों की उपज पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही उनकी हम कह सकते हैं आर्थिक रूप से उन्हें घाटा होता है। किसान भाइयों, झंडा रोग को हम कैसे रोकें या बकानी रोग को हम कैसे रोकें? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो झंडा रोग है ये फ्यूजेरियम नामक कवक के कारण होता है, जो कि हवा द्वारा या पानी के द्वारा या जो हम खेतों में काम करते हैं, जो औजार उपयोग करते हैं, उनके माध्यम से भी एक खेत से दूसरे खेत में फैल जाता है। किसान भाइयों, जो झंडा रोग है ये जो ग्रोथिंग स्टेज रहती है, मतलब रोपाई के 2 या 3 सप्ताह बाद जो ट्रिलिंग स्टेज पे हमें रोग दिखाई पड़ता है, इसमें हम रोग की पहचान कैसे करें? ये जो रोग है वो पतले रहता है, इनके जो तना रहता है वो पतला रहता है, पीलापन रहता है, साथ ही जो सामान्य फसल से थोड़ा लंबा हो जाता है, मतलब बहुत अधिक लंबा हो जाता है, साथ ही उसमें कुछ जो रोग है उसके लक्षण कुछ इस प्रकार देखने को मिलते हैं। अगर जैसे हम पौधों की जो तने रहता है, तने की जो नीचे की गांठें रहती हैं उनमें जड़ों का निकलना, साथ ही जड़ों के नीचे सफ़ेद व गुलाबी रंग की फफूंद दिखाई पड़ना, और इसका जो लक्षण है, जैसे अगर हमारे खेत में बकानी रोग है, पतला है, पीलापन है और सामान्य फसल से अधिक लंबा है, तो ये पौधा क्या है, कुछ समय के बाद सूख जाएगा, या इनमें से कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जो नहीं सूखते हैं, तो उनमें क्या है, बालियां तो निकलती हैं पर बालियों में दाने नहीं बनते हैं, तो इस प्रकार के हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, इसको रोकने के लिए हमें जो थायोफिनिट मिथाइल 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका उपयोग करना है, थायोफिनिट मिथाइल, साथ ही में हमें लेना है सल्फर 80%, 3 kg प्रति एकड़, मतलब थायोफिनिट मिथाइल 500 ग्राम और सल्फर 80%, 3 kg, उनको दोनों को मिला के मिट्टी या रेत में मिला के हमें खेत में समान रूप से फेंक देना है, तो ये रोग हमें रोकने में थोड़ी आसानी होगी। किसान भाइयों, अगर ऐसा कुछ हमें, अगर हमारे खेतों में बकानी रोग की समस्या बहुत अधिक है, उस समय हमें यूरिया वगैरह का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो होता क्या है, हमें और अधिक इस तरीके के जो रोग है वो बहुत तेज़ी से फैलता है, तो हमारा किसान भाई इसको रोकने में असमर्थ हो जाता है। साथ ही किसान भाइयों, हमारे काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे खेतों में बकानी रोग की समस्या ना आए, तो वो जो ग्रोथिंग स्टेज पे जो यूरिया लगाते हैं उसके साथ में थायोफिनिट मिथाइल 500 ग्राम प्रति एकड़ के साथ में यूरिया के साथ में कोडिंग करके या मिला के फेंक दें, तो उनके खेतों में बकानी रोग की समस्या कम से कम देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही इस फेसबुक पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद।